Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वागत है आप सभी का मानव संसाधन प्रबंधन के व्याख्या नंबर पाँच में मैं डॉक्टर सुप्रिया जैन जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा से आज के इस विषय में हम बात करेंगे भर्ती की जिसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं तो आज के चर्चा के कुछ विषय जो रहेंगे वो हैं हमारा परिचय भर्ती का परिचय के बारे में हम बात करेंगे उसका अर्थ और उसकी परिभाषाएँ उसका क्या प्रक्रिया है उसकी क्या नीतियाँ हैं भर्ती को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं किन किन फैक्टर्स से वो इफेक्टेड होता है उसके स्रोत क्या हैं किस तरीके से हम भर्ती करते हैं और उसके दर्शन क्या हैं फिलॉसफीज जिनको हम कहेंगे ट्रेडिशनल एंड रियलिस्टिक फ़िलासफ़ीज़ जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे उससे पहले जान लीजिए कि इस व्याख्यान को पढ़ने के बाद आप क्या क्या उद्देश्य पूरे कर पाएंगे आफ्टर कम्प्लीटिंग एट आपको भर्ती की परिभाषाओं के बारे में ज्ञात होगा भर्ती की प्रक्रिया के चरणों का उल्लेख आप कर सकेंगे एक अच्छी भर्ती नीति की पूर्व प्रेक्षाओं को समझ पाएंगे आप भारती के विभिन्न भर्ती के विभिन्न स्रोतों का वर्णन आप कर सकेंगे उन तरीकों को समझ सकेंगे जिनके माध्यम से संविदित उम्मीदवारों की भर्ती की जा सकती है इसके साथ ही आप भर्ती को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को भी समझ पाएंगे तो बात करते हैं भर्ती की भर्ती है क्या उसके बारे में जानते हैं उसका परिचय समझते हैं जैसा कि हम बोल रहे हैं भर्ती भर्ती मीन्स रिक्रूटमेंट किसी भी संस्थान के लिए कर्मचारियों का होना बहुत ज़रूरी है ये हम पहले कुछ व्याख्यानों में पढ़ चुके हैं इससे पहले व्याख्यान में हमने बात करी थी जॉब एनालिसिस की एंड जॉब डिज़ाइन की जॉब एनालिसिस का मतलब होता है कार्य का विवर विवरेशन करना विवेक्षण करना जिसमें हमने समझा था कि किस प्रकार के कार्य हमारे यहाँ पर हैं उसमें जब हम कार्यों की एनालिसिस कर लेते हैं उसके बाद ही हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं रिक्रूटमेंट का क्योंकि अब हमें उस तरीके के लोग चाहिए जो उस कार्य को कर सकें और हमारे संस्थान के जो उद्देश्य हैं जो गोल हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको वो पूरा कर पाएँ तो हेलेट कहते हैं यह लोगों के साथ ही है कि गुणवत्ता प्रदर्शन वास्तव में शुरू और समाप्त होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी संस्थान जो है वो तभी सही तरीके से कार्य कर सकती है जब हमारे पास सही तरीके के लोग हों हमारे पास अगर क्वालिटी परफॉर्मेंस हम चाहते हैं तो वो लोगों से ही शुरू होती है शुरू से लेके आखिरी तक जो कार्यक्रम होता है या जितने भी कार्य होते हैं संस्थान में वो कर्मचारियों के द्वारा ही होते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम सही व्यक्ति को भर्ती करें अपने संस्थान में अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं इसके साथ साथ रॉबर्ट हेलर कहते हैं इफ़ पीपल ऑफ़ पुअर कैबिल कैलेबर आर हायर्ड अगर गलती से आपने कुछ ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया जिनका कैलेबर या जिनकी क्षमताएं उसके अकॉर्डिंग नहीं है जिस प्रकार का आप कार्य उनसे चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य और आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा ना कर पाने में आपके लिए रुकावट पैदा कर सकते हैं इसी में आगे हम कहते हैं कि रिक्रूटमेंट इज़ दी डिग्रव डिस्कवरिंग ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर एक्चुअल एंड एंटिसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज़ ये जो एक प्रक्रिया है इसमें आप पता करते हैं कि आपके संस्थान में आज के समय में और आने वाले समय में क्या वैकेंसीज़ हैं क्या जगह हैं जो खाली हैं और जिनको आपको भरना है उसी के हिसाब से आप इनका चयन करते हैं उनके सोर्सेज को आप फाइंड आउट करते हैं ताकि आप सही तरीके के लोगों को भर्ती कर सकें इट इज़ लिंकिंग एक्टिविटी विच इज़ ब्रिंगिंग टूगेदर द जॉब टू फिल एंड सीकिंग द जॉब सीकर ये उन दो लोगों के बीच में एक, समग, एक एक, तरीके का लिंक है जहाँ पर आप जॉब सीकर जो जॉब ढूंढ रहे हैं और जॉब मिलने वाले जो लोग हैं हम क्योंकि संस्थान क्या कर रही है नौकरी ढूंढ रही है कर्मचारियों को ढूंढ रही है और कर्मचारी जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं उनमें एक तरीके का ये माध्यम है जो दोनों को मिलाता है जॉब सीकर्स को और आपके ऑर्गेनाइजेशन जो जॉब के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं अगर आगे हम बात करें भर्ती की अर्थ क्या है उसकी परिभाषा क्या है तो भर्ती से संगठन के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संख्या और प्रकार के लोगों को प्राप्त करना संभव हो जाता है इट बेसिकली मेक इट पॉसिबल इट मेक्स इट ईजियर फॉर दी पीपल टू एक्वायर कितने लोगों की आपको ज़रूरत है किस तरीके के लोगों को ज़रूरत है वो लोग हमें कहाँ से किस प्रकार से मिल सकते हैं वो हम भर्ती में समझते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पोटेंशियल एप्लीकेंट फॉर एक्चुअल और एंटीसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशनल गोल आप ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है संगठन में रिक्तियों जो आपकी वैकेंसीज हैं उनको कैसे आपको पूरा करना है वो आप भर्ती के प्रक्रिया से पूरा करते हैं इसमें आगे एडविन बी फ्लिपो कहते हैं भर्ती संभावित कर्मचारियों की खोज करने और उन्हें संगठन में नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया है ये एक ऐसा प्रोसेस है ये ऐसी प्रक्रिया है जहाँ आप लोगों को जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं जो नौकरी करना चाहते हैं जो कार्य करना चाहते हैं उनको आप स्टिमुलेट करते हैं कहीं ना कहीं उनको आप ये खबर पहुंचाते हैं कि आपकी संस्थान में आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की नौकरियां हैं किस तरीके के जॉब्स जो हैं वो वैकेंट हैं उसमें आप खबर पहुंचाने के साथ साथ उनको कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करते हैं ताकि उन भर्तियों के लिए वो अप्लाई कर सकें उन पोजीशंस के लिए वो अप्लाई कर सकें इसमें लॉर्ड के अनुसार भर्ती प्रतिस्पर्धा का एक रूप है जिस प्रकार नियम सर्वोच्चतम उत्पादन या सेवा के विकास निर्माण और विपणन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं उसी प्रकार उन्हें सब योग लोगों को पहचानने करने आकर्षित करने और नियुक्त करने के लिए भी प्रतिस्पर्धा करना चाहिए भर्ती एक व्यवसाय है और ये एक बड़ा व्यवसाय है भर्ती कहीं ना कहीं कही हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है छोटा मोटा बिजनेस नहीं है बहुत बड़ा बिज़नेस है क्योंकि हमें किसी भी संस्थान के लिए सही प्रकार के लोग चाहिए और लोगों को लाना संस्थान में एक बहुत बड़ा कार्य है सही लोगों को लाना ताकि उन लोगों से हम उन कार्य को पूरा करा सकें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं तो लॉर्ड के अकॉर्डिंग भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जो डेवलप करती है मैन्युफैक्चरर को जो मार्केट करती है बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को और जो आपको मदद करती है आइडेंटिफाई करने में अट्रैक्ट करने में ताकि आप बेहतर से बेहतर क्वालिफाइड पर्सन को अपने संस्थान में भर्ती करा सकें आइए बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स एक्विजेशन प्रोसेस की जो रिक्रूटमेंट है उसमें कैसे हम किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते हैं ये क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम भर्ती को पूर्ति करते हैं सबसे पहले हम इसमें करते हैं एच प्लानिंग मानव संसाधन की योजनाएं जो हम बनाते हैं जो हमने व्याख्या नंबर चार में बात करी थी मानव संसाधन योजना जो हमें बताती है कि हमें किस प्रकार के लोगों की ज़रूरत है कितने लोगों की ज़रूरत है कब और कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है आज भविष्य आज प्रेजेंट में साथ के साथ भविष्य में हमारे और संस्थान में किस तरीके की लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में जो एच प्लानिंग हमने डिस्कस किया था वो शुरुआती तौर पे हम बात करेंगे उसके बाद हम करते हैं कार्य का विश्लेषण जिसको हम जॉब एनालिसिस कहते हैं कार्य किस प्रकार के हैं क्या डिस्क्रिप्शन हैं उनके उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं क्या वेतन होगा किस लोकेशन पे लोग काम करेंगे उनको क्या उत्तरदायित्व निभाने पड़ेंगे उस कार्य में उसके बारे में हम एनालाइज करते हैं साथ ही साथ जॉब स्पेसिफ़िकेशन डिफाइन करते हैं जिसमें जो लोग हमें उन कार्य को करने के लिए चाहिए उनके पास क्या रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए क्या स्किल्स होनी चाहिए उनका कितना एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए कितना एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए उनके अनुभव उनकी शैक्षिक शिक्षा उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं वो हम उससे निकालते हैं तो जब हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफ़िकेशन आ जाता है उसी के बाद हमारा ये रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे यहाँ किस प्रकार की नौकरियाँ हैं किस प्रकार की वैकेंसीज़ हैं और किस तरीके के लोग हमें चाहिए अलग अलग सोर्सेज़ को हम यहाँ पर चयन करते हैं उनके ज़रिए लोगों को हम स्टमुलेट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पर नौकरियों के लिए अपने एप्लीकेशंस भेज सकें और जब उनके एप्लीकेशंस हमारे पास आ जाते हैं जब पूल ऑफ़ एप्लीकेशंस हमारे पास एकत्रित हो जाते हैं उसके बाद आता है सिलेक्शन सिलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम आई हुई एप्लीकेशंस में सबसे बेहतर जो हमें लगता है उस कर्मचारी को हम चयन करते हैं सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी प्रोसेस के द्वारा हम अपने संस्थान के लिए बेहतर से बेहतर और बेस्ट फिट कैंडिडेट को हम चूज करते हैं अगर हम सही तरीके का सिलेक्शन कर पाएंगे तो ज़रूरी डेफिनेटली uh, हमारे संस्थान जो है वो आगे सक्सेसफुली वर्क कर पाएगा तो रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन के बाद हमें उन लोगों को प्लेस करना पड़ता है क्योंकि कहीं ये कहा यह जाता है राइट पर्सन नीड टू बी सेलेक्टेड एट दी राइट टाइम नीड टू बी प्लेस एट दी राइट प्लेस तो अगर आपने सही पर्सन को सही कैंडिडेट को सही समय पे चूज कर लिया है चयन कर लिया है उसको सही जगह पर भी आपको रखना है हो सकता है आपने आदमी तो सही चयन किया हो लेकिन अगर उसको आपने सही जगह पर नहीं प्लेस किया उसका प्लेसमेंट गलत हो गया उसकी नॉलेज और स्किल्स के हिसाब से अगर उसका प्लेसमेंट नहीं है तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं दिक्कत का विषय होगा तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है मानव संसाधन विभाग जो है वो इस बात का बहुत हद तक ध्यान रखता है कि जो प्रोसेसेस हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और प्लेसमेंट के ये बहुत ही ध्यान से किया जाए क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को हम ऐसा कार्य दे दें जो उसकी क्षमताओं के उप्रेक्ष हो या उसके क्षमताओं के हिसाब से ना हो तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो पूरी नहीं आ पाएगी हमें बहुत ज़रूरी है ये समझना कि किस पर्सन को हम किस जगह पर प्लेस करते हैं तो ये एक्विजीशन का हमारा प्रोसेस है जिसको हम शुरुआत करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से उसकी योजनाएं बनाने से फिर हम अपनी सारी नौकरियों का विश्लेषण करते हैं जिसमें हम जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन का फाइंड आउट करते हैं उसके हिसाब से हम लोगों तक ये खबर पहुंचाते हैं अलग अलग सोर्सेज से उन एप्लीकेशंस को इनवाइट करते हैं फिर हम किसी कर्मचारी का चयन करके उसको सही जगह पर रखते हैं इसी के आगे हमें बात करनी है नीड फॉर रिक्रूटमेंट की ज़रूरत क्या है क्या ज़रूरत है इस प्रोसेस को हमें टेकअप करने की तो स्कॉट कॉर्लर एंड स्प्रिंगल का कहना है जो हमारे यहाँ पर जितनी भी रिक्तियाँ हैं वैकेंसीज़ हैं जो कि आई हैं हमारे संस्थान में मान लीजिए आपकी संस्थान ग्रो कर रही है आपकी संस्थान बढ़ रही है तो जब आपकी संस्थान और आपकी संस्थान जब ग्रो करेगी एक्सपेंड करेगी तो ज़रूरी है संभव है कि वहाँ पे बहुत सारी नई नौकरियाँ क्रिएट होंगी आपका ग्रो करता है जब बिज़नेस तो उसमें नई नई वैकेंसीज़ आती हैं तो उन वैकेंसीज़ को आप कैसे फुलफ़िल करेंगे उनकी कैसे आप पूर्ति करेंगे उसके लिए रिक्रूटमेंट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये जो नई आपने वैकेंसीज क्रिएट करी हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन की वजह से उसको पूरा करने के लिए रिक्रूटमेंट की भर्ती की हमें आवश्यकता होती है बढ़ते हुए कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ रहा है कंसर्न्स बढ़ रहे हैं लोगों को उसी हिसाब से हमें सही समय पे लोगों की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत है तो हमें सही जो लोग चाहिए अपने यहाँ पर अवेलेबल हो सही समय पे हम उन लोगों का चयन कर पाए उनकी भर्ती कर पाए अपने संस्थान के लिए इस, इस भरते हुए दौर में जिसमें आप देख रहे हैं कि कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ रहा है तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट का होना बड़ा ही आवश्यक होता है व्यापार चक्र की पुनःप्रति अवधि के दौरान उछाल से उत्पन्न व्यापार में व्यक्ति जो बिजनेस साइकिल्स हैं हम देखते हैं हमारी इकानी में अप एंड डाउन मूवमेंट्स होते रहते हैं हमारी इकनॉमी कभी ग्रो करती है हमारी इकनॉमी कभी डाउनफॉल करती है जिसको कि हम बिजनेस साइकिल का नाम देते हैं तो अमूमन तौर पे जब इकनॉमी में ग्रोथ हो रही है जब इकनॉमी बढ़ेगी जब डिमांड बढ़ती है जब डिमांड बढ़ती है डेफ़िनेटली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती हैं और जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती हैं तो जो प्रोडक्ट हैं जो सर्विसेज हैं उनकी डिमांड बढ़ती है तो उस भरती हुई डिमांड को उस भर्ती हुई डिमांड को पूर्ति करने के लिए हमें और लोग चाहिए होते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें तो उस पीरियड में हमें रिक्रूटमेंट के थ्रू ही नए कर्मचारी या नए कैंडिडेट्स मिल पाते हैं जिनको हम अपने संस्थान के साथ जोड़ें और उस भर्ती हुई डिमांड को पूरा कर सकें इसी के आगे रिक्रूटमेंट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज ऑर्गेनाइजेशन में या जो आप कहते हैं रिक्तियाँ होती हैं वो ट्रांसफर की वजह से होती हैं आपने किसी कैंडिडेट को किसी और जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया हो सकता है आपकी जो संस्थान है उसके कई सारे विभाग हो अलग अलग यूनिट्स में वो वर्क करती हो तो आपने एक जगह से दूसरी जगह किसी पर्सन को जब ट्रांसफ़र कर दिया या किसी का प्रमोशन हो गया या किसी का रिटायरमेंट हो गया कोई चला गया संस्थान से या किसी को आपने निकाल दिया किसी ने छोड़ दिया टर्मिनेशन हो गया हो या किसी कर्मचारी की अकस्मत मृत्यु हो गई हो या कोई ऐसा उसके साथ डिसेबिलिटी आ गई हो जिसको कि वो आगे तरीके से कार्य को नहीं कर सकता तो उस सारे आ, मौकों पर हमें रिक्रूटमेंट की बहुत हद तक आवश्यकता होती है क्योंकि अब जो हमारे पास वैकेंसीज़ हुई हैं या जो रिक्तियाँ हुई हैं उनको हम कैसे भरेंगे कैसे हम उनकी पूर्ति करेंगे कहाँ से हम कैंडिडेट्स को लेकर आएंगे उसमें रिक्रूटमेंट हमारी मदद करेगा इसके अलावा जो नॉर्मल पॉपुलेशन ग्रोथ है जो रिक्वायर करता है इंक्रीजिंग गुड एंड सर्विसेज की जो डिमांड बढ़ रही है हम देख रहे हैं भारत जो देश है हमारा उसमें लगातार जनसंख्या का विकास हो रहा है तो ये जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है जब लोग बढ़ते हैं तो डिमांड भी बढ़ती है डिमांड का एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो पॉपुलेशन ग्रोथ भी है जिसकी वजह से चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है एक तो इकनॉमी के ग्रोथ से बढ़ती है दूसरा जब लोग ज़्यादा होंगे तो डिमांड भी तो जैसे हमने बात की थी बिजनेस साइकिल की ग्रोथ जब होती है तभी डिमांड बढ़ती है इसके साथ साथ जब पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है और हमारा जो देश है भारत उसमें जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ी रही है उसके साथ साथ भी जब डिमांड बढ़ती है तो हमें लोगों की जरूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि हम ज़्यादा लोगों को रख सकें और उत्पादन बढ़ा सकें और बढ़ती हुई डिमांड को फुलफिल कर सकें इसके अलावा रिक्रूटमेंट की ज़रूरत होती है अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए विच रिक्वायर्स मोर ऑफ दी सेम गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज क्रिएशन ऑफ न्यू वांट्स टू बी सेटिस्फाइड आपने जब हमें लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है जीवन के स्तर में वृद्धि करनी है जिससे संतुष्टि करने के लिए समान वस्तुएं और सेवाओं के साथ साथ नए निर्माण की आवश्यकता होती है तो ये कुछ ज़रूरतें हैं जहाँ हमने देखा कि हमें अपने संस्थान में भर्ती की क्यों आवश्यकता पड़ती है क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पे रिक्तियाँ हो रही हैं किसी भी प्रकार से हो रही हैं चाहे वो किसी के छोड़ जाने की वजह से हो रही हो चाहे वो ट्रांसफर की वजह से हो रही हो या फिर वो पॉपुलेशन ग्रोथ से हो या बिजनेस साइकिल में जो ग्रोथ या एक्सपेंशन फेजेस आते हैं किसी भी कारणवश हमें आ, रिक्तियों को पूरा करना होता है तो हमें भर्ती का ही ये प्रक्रिया चालू रखनी पड़ती है जिसके द्वारा हम कर्मचारियों का चयन करते हैं उन्हें अप्लाई कराने में मदद कराते हैं और हम बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को अपने यहाँ पर सेलेक्ट कर पाते हैं इसके आगे हम बात करते हैं भर्ती के प्रक्रिया की उसका प्रोसेस क्या है जो भर्ती का प्रक्रिया है या जो उसका प्रोसेस है वो हमने कुछ भागों में डिवाइड uh, किया हुआ है जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भर्ती नीति की रिक्रूटमेंट पॉलिसी आपके संस्थान की जो पॉलिसी है वो किस प्रकार है किस प्रकार से आप रिक्रूटमेंट करते हैं यह भर्ती के उद्देश्यों को निष्ठ करती है निर्देशित करती है और भर्ती कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक अन्य रूपरेखा प्रदान करती है इसमें कुछ सिद्धांतों के प्रति नियुक्ति की प्रतिबद्धता भी शामिल है जैसे कि प्रत्येक नौकरी के लिए सर्वोत्तम योग्य व्यक्तियों को ढूंढना और नियुक्त करना काम पर रखे गए लोगों में से सबसे अधिक आशाजनक लोगों को बनाए रखना आदि ये संगठनों के लक्ष्यों जरूरतों और वातावरण पर आधारित होना चाहिए तो आपके संस्थान की रिक्रूटमेंट पॉलिसी कैसी है किस प्रकार आप लोगों का चयन करेंगे और जो अच्छे लोग आपने भर्ती करे हैं उनको किस प्रकार आप अपने यहाँ पर रोके रखेंगे जो रिटेंशन की बात होती है वो इसमें की जाती है ताकि आप अपने जो बेसिक गोल्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की और इन्वायरमेंट की नीड्स हैं उनको आप फुलफिल कर सकें तो रिक्रूटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको एक फ्रेमवर्क तैयार करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो आपको कहीं ना कहीं एक एक फ्रेमवर्क तैयार करता है जिसके आधार पर निर्धर निर्धारित होकर आप अपना रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं इसके अलावा रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसी है आपका जो रिक्रूटमेंट है वो किस प्रकार से हो रहा है वो सेंट्रलाइज भी हो सकता है जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक या करती हैं या डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है एक ही जगह से आप चयन करते हैं कि किस तरह से आपको लोगों को भर्ती करना है या विभिन्न विभिन्न प्रकार से भी आप डिसट्रलाइज वे से भी आप जो है लोगों को भर्ती करते हैं दोनों के ही अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं कोई भी प्रक्रिया आप चूज करें कोई भी प्रक्रिया या कोई भी प्रोसेस आप लें वेदर सेंट्रलाइजेशन के थ्रू लें या डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू लें उसमें आपको अपने ही फायदे और नुकसान देखने को मिलते हैं लेकिन ये चॉइस डिपेंड करती है किस प्रकार के कर्मचारी को आप चूज़ कर रहे हैं आप हायर लेवल पोजीशनिंग पे भर्ती करना चाहते हैं या मिडल लेवल या लोअर लेवल पे भर्ती करना चाहते हैं क्योंकि हर प्रकार के लोग आपको हर तरीके से नहीं मिल सकते तो उनके स्किल्स और क्वालिफ़िकेशन और रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए उसके हिसाब से आप लोगों का चयन करते हैं और भर्ती करने के जो स्रोत हैं उनको आप सर्च करते हैं इसके अलावा आपके भर्ती के स्रोत क्या हैं किस तरीके से किस ज़रिए से आप लोगों की भर्ती करेंगे इसमें हम आगे भी विषय में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं बहुत सारे स्रोत हैं जिनके द्वारा हम लोगों को भर्ती कर सकते हैं जिसको हम मुख्य रूप से इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज के नाम से जानते हैं बाहरी और भीतरी जो हमारे स्रोत हैं जिनके द्वारा हम लोगों को भर्ती कर सकते हैं और अगेन इसमें दोनों ही अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं अगर हम बाहरी सोर्स से लेते हैं उसके भी कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं और अगर हम भीतरी स्ट्रो से लेते हैं तो उसके भी अपने कुछ फ़ायदे और नुकसान हमें देखने को मिलते हैं इसके अलावा हमारा भर्ती का तरीके क्या रहते हैं किस तरीके से हम भर्ती करते हैं भर्ती करने के हमारे जो प्रोसेस हैं वो क्या हैं भर्ती तकनीकी संभवित उम्मीदवारों से संपर्क बनाने उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान करने और उन्हें नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने का साधन है हम चाहते हैं कि जिन लोगों को हम अप्लाई कराएं, वो लोग हमारे यहाँ पर एप्लीकेशंस भेजें उनको स्टमुलेट करते हैं ताकि वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करा सकें और वो उस जॉब के लिए उस कार्य के लिए अपनी एप्लीकेशन भेज सकें इसके बाद आखिर में आता है आपका इवैल्यूएशन ऑफ़ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं भर्ती का मूल्यांकन जो भी प्रोसेस जो भी कार्य आपने किया है जो भी आपने डिस्कशन किया है अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन पर टेकअप किया रिक्रूटमेंट का प्रोसेस उसको आप समय समय पे मूल्यांकन किया जाता है क्या इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास उतने लोगों ने अप्लाई किया क्या हमारे पास सही लोगों का चयन हुआ या नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप ये देखें कि आपने जो भर्ती की प्रक्रिया चालू करी थी उससे सही लोग आपके यहाँ पर चयन हुए हैं या नहीं हैं अगर आपके पास रिक्वायर्ड कैंडिडेट उस तरीके का नहीं है जैसा आप चाहते थे तो बहुत हद तक आपको अपने भर्ती के प्रक्रिया में भी बदलाव लाना हो सकता है और आपको कुछ नए सोर्सेज कुछ नए तरीके अपनाने पड़ेंगे जिसके द्वारा आपके पास और बेहतर जो लोग हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करें ताकि आप उनमें से बेहतर कर्मचारी का चयन कर पाएं आइए देखते हैं प्लेस ऑफ रिक्रूटमेंट इन दी सिलेक्शन सिस्टम किस तरीके से जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो आपको मदद करेगा एक एक सिस्टम में जैसे हमने शुरुआत करी थी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से उसके बाद हम गए हैं जॉब एनालिसिस में जिसमें हमने जितने भी हमारे कार हैं उनका विश्लेषण किया था जिसमें हमने जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन बनाया जॉब डिस्क्रिप्शन जो हमें बताता है कि हमारी नौकरियाँ जो होंगी वो किस प्रकार की होंगी उनके क्या उत्तरदायित्व होंगे उनमें क्या जिम्मेदारियाँ होंगी और जॉब स्पेसिफिकेशन हमें बताता है कि हमें किस प्रकार के लोगों की ज़रूरत होगी उनकी क्या नॉलेज स्किल्स और रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसके बाद ही हमारा ये रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी जिसके द्वारा हम लोगों को खबर पहुंचाते हैं उन तक इतला करते हैं कि हमारे यहाँ पे किस तरीके की जॉब्स हैं जो अवेलेबल हैं और उन जॉब्स के लिए वो अप्लाई करें जब वो अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हम उनका सिलेक्शन करते हैं बहुत सारे सिलेक्शन के प्रोसेस और मेथड्स होते हैं बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिनसे कर्मचारियों को गुजरना होता है और उसके बाद ही वो एक नया या बेस्ट कर्मचारी हम सिलेक्ट कर पाते हैं और फाइनली उनका हम करते हैं प्लेसमेंट सही जगह पर उनको हम प्लेस करते हैं ताकि जो उनकी स्किल्स हैं उन जॉब से मीट आउट कर सकें इसके आगे जब हम रिक्रूटमेंट में बात कर रहे हैं तो रिक्रूटमेंट में देखिए रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो है सर्च करना जो हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज़ हैं जो हमारे यहाँ पर काम कर सकते हैं ऐसे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉज़ की सर्चिंग करने के प्रक्रिया को हम रिक्रूटमेंट का नाम देते हैं और इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल इम्प्लॉयज़ को और उनके इवेलुएट करते हैं रिक्रूटमेंट इफ़ेक्टिवनेस को कि हमारा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो कितना इफेक्टिव है जब हम आइडेंटिफाई करते हैं सोर्सेज को तो हमारे पास दो तरीके के सोर्सेज आते हैं जिसमें हमने बात करी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स इंटरनल सोर्स मतलब हो गया कि अपने ही संस्थान के भीतरी लोगों में से जब आप लोगों का चयन करते हैं और उन रिक्तियों को पूरा करते हैं तो वो आपके इंटरनल सोर्सेज का पार्ट होते हैं बाहरी सोर्स मतलब आप बाहर से जब अपनी संस्थान के बाहर से किसी व्यक्ति का चयन करके लाते हैं तो वो एक्सटर्नल सोर्स की तरफ कहलाते हैं जब आप इवेलुएटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए आपके जो लोग हैं उनको आप दो तरीके से स्टडी करते हैं पर्सनल रिसर्च करते हैं और जॉब पोस्टिंग करते हैं आप ख़ुद से भी देखते हैं कि कौन कौन आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉज हो सकते हैं और आप जो जॉब होती है उनको अलग अलग जगह पर पोस्ट करते हैं आप अलग अलग जगह पर उनको एडवर्टीज़मेंट करते हैं ताकि लोगों तक उस वो वैकेंसीज़ के बारे में उन रिक्तियों के बारे तक आप पहुँचा सकें आप उन सेम पोजीशन को अपग्रेड भी करते हैं आप ट्रांसफ़र करते हैं नई जॉब्स को प्रमोट करते हैं हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ ही साथ इसके अलावा जो आपके एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उसमें आते हैं आपके एम्प्लॉ रेफ़रल्स एडवर्टाइजिंग और स्काउटिंग ये कुछ ज़रिए हैं जिसके द्वारा आप एक्सटर्नली अपने यहाँ पर लोगों की चयन और भर्ती करते हैं और बाद में आप इवेलुएट करते हैं उनको सिलेक्शन के लिए कि जो आपने सोर्सेज ढूंढे हैं या जिनका चयन आपने किया है क्या उस प्रक्रिया के थ्रू आप अच्छे और सही कैंडिडेट का सिलेक्शन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट पॉलिसी की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो क्या कहती है किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में संस्थानों में पॉलिसीज़ बनाई गई हैं तो जोर की डिग्री निर्धारित करने के लिए संगठन के अंदर या संगठन के बाहर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर रहे हैं डिग्री ऑफ एम्फेसिस आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप संस्थान के अंदर से ही भर्ती करना चाहते हैं या संस्थान के बाहर से आप भर्ती करना चाहते हैं तो आपका जो, जो जोर है वो किस चीज़ पे ज्यादा है आपका जो डिग्री ऑफ इंफेसिस है वो किस पे आप ज़्यादा दे रहे हैं दूसरा इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन और रिक्रूटमेंट पॉलिसी में टू प्रिस्क्राइब वेदर दी रिक्रूटमेंट वुड बी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको रिक्रूटमेंट पॉलिसी में ये भी बहुत हद तक डिसाइड करना होगा आगे बढ़ने से पहले कि आप जो भर्ती करेंगे वो सेंट्रलाइज्ड वे में करेंगे या डिसेंट्रलाइज्ड वे में करेंगे एक ही जगह से आप पूरी भर्ती की प्रक्रिया को चालू रखते हैं या उसको अलग अलग विभिन्न तरीके से आप उसको आगे बढ़ाते हैं तीसरा इसमें आपको देखना होगा फ्लैक्सिबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है क्योंकि जब आप किसी की भर्ती करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप भर्ती करते समय लोगों की उम्र क्या होगी उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी उनके मुआवजा की आप किस तरह से संरचना करेंगे उसको किस तरीके की सेवाएँ आप देंगे इन सब चीज़ों पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है आपको लचीलापन लाना पड़ेगा नहीं तो आपके लिए दिक्कत होगी उस समय पर भर्ती करने के लिए अगर आप किसी रिजिड माइंडसेट के साथ लोगों को भर्ती कराने के लिए अप्लाई करते हैं इसके अलावा आपको उनको वेटेज भी देना पड़ेगा सर्टेन कैटेगरीज ऑफ लोगों को जैसे कि हम जानते हैं कि सरकार के बहुत सारे नियम हैं सरकार के बहुत सारे आदेश हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है कि हम आपस के लोकल पॉपुलेशन को जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको जो स्थानीय आबादी है उसको हम किस तरह से प्रेफरेंस दे रहे हैं किस तरह से वेटेज दे रहे हैं या कोई व्यक्ति अगर किसी रूप से विकलांग है उसकी कोई कमियां हैं या कोई शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है या अनुसूचित जाति या जनजातियों को वो बिलोंग करता है तो उसके लिए भी हमें अलग कोटा या अलग रिजर्वेशन रखता है जो कि हमें भर्ती के समय पर बहुत हद तक ध्यान देना होता है इसके अलावा हमें प्रिस्क्राइब करना है कि पर्सनल हु वुड बी इन्वॉल्व इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इन दिस रिगार्ड आपको भर्ती के लिए किन किन लोगों की ज़रूरत होगी किस तरीके के लोग आपके साथ इन्वॉल्व होंगे और जो मानव संसाधन विकास प्रबंधन है वो आपको किस तरह से इसमें सहायता सहायता प्रोवाइड करेगा इसके अलावा आप स्पेसिफाई करेंगे बजट जो आपका खर्चा है भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में होने वाला व्यय को पूरा करने के लिए बजट निर्देशित करना पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका जो बजट है आपका जो आ, जो भी व्यय होने वाला है खर्चा होने वाला है उसको आप किस तरीके से पूरा करेंगे क्योंकि किसी भी बजट के हिसाब से ही आप अलग अलग सोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस जिसमें आपको खर्चा भी करना पड़ता है आपको बहुत सारा इन्वॉलमेंट होता है मनी भी और टाइम भी तो आपको इस तरीके से बजट का एक्सपेंडिचर भी पहले से लेके चलना होगा अब बात करते हैं प्री रिक्विज्स ऑफ गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी की जब हम रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है एक अच्छी भर्ती नीति की पूर्व प्रेक्षाएँ अच्छी पॉलिसी के जो पूर्व प्रेक्षाएँ हैं वो क्या होती हैं सबसे पहले हम कह रहे हैं ये उन सामान्य कर्मकियों नीति के अनुरूप होना चाहिए इट शुड बी इन कन्फर्मिटी विद जनरल पर्सनल पॉलिसीज अगर आप रिक्रूटमेंट करना जा रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आपकी पॉलिसी जो है जनरल गाइडलाइंस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दी जा रही हैं इट शुड बी इन विद लाइन दोज पॉलिसीज ठीक है उनमें एक, एक एक लिंक होना चाहिए उनमें एक रिलेशन होना चाहिए दोनों ऐसा ना हो जो अलग अलग दिशाओं में जा रही हूँ उनमें कुछ समानताएँ होनी चाहिए दूसरा इट शुड बी फ्लैक्सिबल इनफ टू मीट दी चेंजेस चेंजिंग नीड इन दी ऑर्गेनाइजेशन आपका जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी हो वो ऐसी हो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो बदलाव हो रहे हैं जो संस्थान में जो लगातार आपकी जो बदलाव आ रहे हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं अपने साथ ग्रहण कर सके उनको लागू कर सके क्योंकि अगर हम बदलाव ही हमारे जीवन का नियम है कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है हर चीज़ में बदलाव आते हैं तो उन बदलाव को आप पूरा कैसे करेंगे अगर आप उनमें उन चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपकी जो जो पॉलिसी है वो इतनी फ्लैक्सीबल होनी चाहिए कि आने वाले बदलावों को आप उसमें इजीली इनकॉर्परेट कर सकें नेक्स्ट इज इट शुड मैच द क्वालिटीज ऑफ इम्प्लॉयिज़ विद द रिक्रूटमेंट ऑफ़ द वर्क फॉर विच दे आर एम्प्लॉयड इसमें बहुत हद तक आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसी तरीके के लोग मिलें जो क्वालिटीज़ आप चाहते हैं अपने कर्मचारियों में ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में संस्थान में जो कार्य है जो कर्मचारी आप चाह रहे हैं उन कार्य की उपेक्षाओं को वो पूरा करें जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और जो जॉब स्पेसिफ़िकेशन है वो पूरी तरीके से पूर्ति हो अगर उनमें समानता पूर्ति नहीं हो रही है या दोनों मैच नहीं करेंगे तो भी हमारी रिक्रूटमेंट जो होगा वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा इसके अलावा इट शुड बी सो डिज़ाइन एज़ टू इंश्योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इट्स एम्प्लॉय ऑन दी लॉन्ग टर्म बेसिस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भर्ती करें जो कर्मचारियों का हम चयन करें वो लंबे समय तक के लिए हो ऐसा ना हो कि हमने चयन तो कर लिया और वो जो कर्मचारी है वो कुछ ही समय से समय बाद ही हमारे संस्थान को छोड़ के चला जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी की सिचुएशन होगी क्योंकि हमें बार 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 इसके लिए अपनी रिक्तियों को पूरा करना पड़ेगा तो हमें बहुत हद तक पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए या ऐसे सोर्सेज हमें ढूंढने चाहिए इस तरीके के लोग हमें आ, सर्च करने चाहिए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ ताकि वो लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत जल्दी जल्दी संस्थान को छोड़कर ना जाएं इसके अलावा हमें हाईलाइट करना चाहिए नेसेसरी स्टैब्लिशिंग जॉब एनालिसिस पे जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं कार्य का विश्लेषण करते हैं तो उस समय भी हमें बहुत हद तक ध्यान देना चाहिए कि हमें जो इन्फॉर्मेशन जो डेटा हमने रिसीव uh, किया है वो सही हो ताकि हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन उसके आधार पर सही निर्धारित हो भर्ती को प्रभावी करने वाले कारक अब हम बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स क्या हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे धरती के कारक हो सकते हैं या जो हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे इम्पैक्ट डालते हैं तो इन कारकों को हमने दो विभाग में डिवाइड किया है जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स आंतरिकी फैक्टर्स और दूसरे हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स बाहरी कारक क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इस प्रोसेस में इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की देखिए इंटरनल फैक्टर्स क्या हो गए इन दी ऑर्गेनाइजेशन आप और आपकी जो संस्थान हैं जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं तो किस तरीके के इंटरनल फैक्टर्स हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं भर्ती करने में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो है वेज एंड सैलरी पॉलिसी हम इस बात को बहुत हद तक जानते हैं कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान में जब आ, रिक्तियों को पूरा करने के लिए या उसमें अप्लाई करता है एप्लीकेशन भेजता है तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है क्योंकि कोई भी इंसान जब नौकरी करने जाता है तो उसको क्या वेतन मिलेगा उसको क्या वेतन नीतियाँ होंगी वो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है तो अगर संस्थान की वेतन नीतियाँ या वेतन अच्छा है जो अपने वो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को दे रही है और जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं अगर उससे वो खुश रहते हैं तो डेफिनेटली आने वाले जो लोग होंगे या जो भर्तियाँ होंगी उनको भी जब आप प्रकाशित करेंगे उन तक पहुँचाएंगे तो वो भी अट्रैक्ट होंगे और आपके संस्थान में बिल्कुल ज़रूर वो आना चाहेंगे दूसरा होता है एज कम्पोजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग वर्स फोर्स जो आपके मौजूदा कार्यबल है उसकी आयु संरचना आपने किस प्रकार से की हुई है किस तरीके के लोगों को आप अपने यहाँ पर जॉब देते हैं एज कैटेगरी क्या है बहुत सारे यंगस्टर्स ही हैं क्या केवल या बहुत सारे ओल्ड एज पीपल ही आपके यहाँ काम करते हैं या मिक्स ऑफ पूल आपने बनाया हुआ है जिसमें हर उम्र के लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ताकि उस चीज़ को आप और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें आपके संस्थान की रिक्रूटमेंट एंड रिटायरमेंट पॉलिसीज क्या हैं प्रमोशन एंड रिटायरमेंट पॉलिसीज हर कर्मचारी चाहता है का उसका समय के साथ साथ उसका प्रमोशन हो उसकी ग्रोथ हो और जब वो संस्थान को छोड़े उसकी भर्ती उम्र के बाद या जो उसके नौकरी के बाद उसका जो रिटायरमेंट है उसकी सेवा सेवानीतियों की नीति क्या होंगी उसको किस तरीके के बेनिफिट्स दिए जाएंगे तो जो संस्थान इस सारी चीज़ों का ध्यान रखती हैं अच्छा वेतन देती हैं एक सही आयु के लोगों को उन्होंने जो है कार्यबल बना रखा है आपके जो रिक्रूटमेंट और प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं रिटायरमेंट और प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं वो बढ़िया हैं आपके यहाँ से लोग छोड़ के कम जाते हैं टर्न रेट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कम है ऐसी संस्थान जहाँ पे लोगों का स्टेबिलिटी एस्पेक्ट बहुत कम है लोग साल दो साल नौकरी करके छोड़ जाते हैं ऐसी संस्थानों के लिए लोग आमूमन अप्लाई नहीं करना चाहते बल्कि ऐसी संस्थान जहाँ पुराने लोग जुड़े रहते हैं बहुत लंबे समय तक काम करते हैं वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि ये संस्थान अच्छी है इसकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं इसीलिए ये लोग इतने लंबे समय तक और लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आगे भी कार्य करने के लिए तैयार हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का टर्न रेट कैसा है वो भी बहुत हद तक रिक्रूटमेंट पर इम्पैक्ट डालता है द नेचर ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व द काइंड ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार का कार्य है और किस किस तरीके के लोगों की जरूरत है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास किस तरीके से एप्लीकेशंस आ रही हैं कार्य की प्रक्रिया और कार्य करने वाले कर्मचारियों की रिक्वायरमेंट क्या है वो आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे इम्पैक्ट डालेंगी इसके अलावा लेवल ऑफ़ सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशन इन क्वेश्चन जैसे विचारधानी संचालन का स्तर और मौसमी राइट जिसमें आप देखते हैं कि आपके जो सीजनैलिटी आस्पेक्ट जो है ओकेजनली आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं वहाँ पे काम करने का पैटर्न क्या है वो लोगों को बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है क्योंकि आपकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं जो आपका इन्वायरमेंट है जिस तरीके का वर्क प्लेस आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं वो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का प्रचार करते रहते हैं और बाजार में मार्केट में ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि इस कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है इस कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसी हैं उससे लोगों की एक इमेज बनती है आपकी ब्रांडिंग होती है और अगर जितनी ज़्यादा आपकी ब्रांडिंग होगी जितनी ज़्यादा आपकी इमेज पॉजिटिव होगी उतने ही ज़्यादा लोग आपकी संस्थान में आने के लिए तैयार होंगे और वो संस्थान में काम करना चाहेंगे इसके अलावा इंटरनल फैक्टर्स में आपके फ्यूचर एक्सपेंशन एंड रिडक्शन रिड़, प्लान क्या हैं आप किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना चाहते हैं आमून सी बात है कि जो लोग हैं वो ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं जो ग्रोथ कर रही हैं प्रतिदिन आगे बढ़ रही हैं ऐसी संस्थान से लोग जुड़े रहना चाहते हैं इसके अलावा रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है आपकी आप किस तरीके के लोगों को रिक्रूट करते हैं कैसे आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं आपकी प्रक्रिया क्या है रिक्रूटमेंट करने की वो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी ऑफ दी कंपनी अपने जो मानव संसाधन की योजनाएं आप किस तरह से बनाते हैं उनको डेवलप कराने में उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देने में आपका क्या रोल रहता है ताकि ना केवल वो आज के लिए तैयार हों बल्कि फ्यूचर में आने वाले बदलाव के साथ भी वो अपने आप को खड़ा देख सकें इसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है और आपके यहाँ कितने लोग कार्य करते हैं संगठन का आकार और नियो नियोजित कर्मचारियों की संख्या क्या है ठीक है कितने लोग आपके यहाँ कार्य कर रहे हैं ये भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कुछ लोग चाहते हैं कि वो बड़ी संस्थानों के साथ जुड़ें अगर आपकी छोटी संस्थान है तो हो सकता है बड़े आ, सारे लोग आपके यहाँ पे अप्लाई ना करें उस जॉब के लिए इसके अलावा कॉस्ट इन्वॉल्व इन दी रिक्रूटिंग एम्प्लाइज़ एंड फाइनली ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट में कितना खर्चा किया जाता है किस तरीके से कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और आपकी संस्थान की जो ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो कैसे हैं आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोइंग और डेवलपिंग है या नहीं है इन सारी ही आस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जो कर्मचारी हैं जो प्रोस्पेक्टिव कर्मचारी हैं नॉट एग्जैक्टली exactly कर्मचारी अभी तो नहीं हुए हैं बट येस जो आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं वो इन सब चीज़ों पे बहुत हद तक ध्यान देते हैं जब आप रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जिसके द्वारा आप लोगों को बताते हैं नए उपरोक्त वैकेंसीज के बारे में जो आपकी रिक्तियाँ हैं उनके बारे में जब आप प्रचार करते हैं तो ये सारे एस्पेक्ट्स लोग ध्यान में रखते हुए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की बाहरी क्या आपके फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को इम्पैक्ट करते हैं सबसे पहला है इसमें सप्लाई एंड डिमांड ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स इन दी लेबर मार्केट डेफिनेटली अगर आप आपको स्पेसिफिक स्किल्स की बात करें जैसे आज के ज़माने में जो बढ़ती डिमांड है वो ए की है कंप्यूटर साइंस की है इसी तरह से लोग क्या कर रहे हैं इस प्रकार के कार्यों में ज़्यादा जा रहे हैं इस प्रकार के क्षेत्रों की पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन फाइनली हमें ये देखना होगा कि कितनी मार्केट में सप्लाई और कितनी डिमांड है उस प्रकार के स्किल सेट की लोगों की सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो डेफ़िनेटली आपके यहाँ जो पूल ऑफ एप्लीकेशन होगी वो ज़्यादा आएंगी लेकिन अगर सप्लाई कम है मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो आपके पास प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जो होंगे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज़ जो होंगे वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे इसके बाद कंपनी की इमेज परसेप्शन ऑफ जॉब सीकर कैसी है जो आपके यहाँ अप्लाई कर रहा है वो ये देखता है कि आपकी इमेज कैसी है आपकी रेपटेशन कैसी है आपकी मार्केट पोजिशनिंग कैसी है बहुत सारी कंपनियाँ हैं जैसे इन्फोसिस है गूगल है टाटा है टी है या फिर हम बात करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की तो इनमें लोग क्यों काम करना चाहते हैं या क्यों लोग ऐसी कंपनीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका मेन कारण यही है क्योंकि इन कंपनीज की इमेज अच्छी है इनका वर्क प्लेस जो कल्चर है वो अच्छा है इन्होंने अपने एम्प्लॉज़ को बेहतर सुविधाएँ और बेहतर पॉलिसीज़ दे रखी हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो ऐसी कंपनीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो जॉब सीकर जो है उसकी क्या परसेप्शन इमेज है उस कंपनी के बारे में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाती है इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि द कल्चर में एग्जर्ट कंसिडरेबल चेक ऑन रिक्रूटमेंट लाइक फॉर एग्जांपल वुमेन मे नॉट बी रिक्रूटेड इन दी सर्टेन जॉब्स इन इंडस्ट्री जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सटर्नल कल्चरल फैक्टर्स होते हैं बहुत सारी जो जॉब्स uh, हैं वो आमूमन तौर पर uh, औरतों के लिए या महिलाओं के लिए नहीं होती हैं तो ऐसी इंडस्ट्रीज में ऐसे पर्टिकुलर जॉब्स में जो फीमेल्स हैं ना उन वो अप्लाई करती हैं अगर करती भी हैं तो उनको उनमें चयन या भर्ती नहीं मिलती है क्योंकि वो उनके लायक उस तरीके का जॉब नहीं होता है इसके अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसमें आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं सच एज टाइट और लूज लेबर मार्केट आपका जो लेबर मार्केट है वो किस प्रकार का है ठीक है जैसे डिमांड और सप्लाई की हमने बात करी थी वैसे ही आपके लेबर मार्केट की जो पोजीशन है वो कैसी है रेपुटेशन कैसी है एंटरप्राइज की कम्युनिटी में वो अच्छा पे मास्टर है या नहीं है राइट right? उसके जो अलाइड इश्यूज हैं क्वांटिटी और क्वालिटी को लेके वो किस प्रकार के हैं वो सारे चीज़ें हैं जो हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो आपकी संस्थान में अप्लाई करने वाले लोगों पर बहुत हद तक एक इम्पैक्ट डालेगी इसके अलावा पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स जो हैं वो भी आपके यहाँ पर इम्पैक्ट डालते हैं जैसे कि नेचर ऑफ वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे आपके यहाँ वुमेंस और चिल्ड्रेंस को रिक्रूट करने की क्या पॉलिसीज़ हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसज़ आप क्या फ़ॉलो करते हैं एंटरप्राइजेस में आप क्या क्या रिज़र्वेशन हैं एस uh, सी के लिए ये सारी जो आपकी राजनीति और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं तो ये जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये हो गए बाहरी जिनमें आपका कंट्रोल नहीं है बट डेफिनेटली इंटरनल फैक्टर्स से ही एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इम्पेक्टेड होते हैं किस प्रकार के आप इंटरनल आस्पेक्ट्स को टेकअप कर रहे हैं उसी से धीरे 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 करके आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स uh, भी इफेक्टेड होंगे और ये सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन में इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं जहाँ पर आप लोगों का चयन और भर्ती की बात करते हैं आगे हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट भी हमारे यहाँ पर दो प्रकार से हैं इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज इंटरनल सोर्सेज मतलब कि आप अपने ही संस्थान के विदिन जब आप हाँ रिक्रूटमेंट करते हैं उसको हम इंटरनल सोर्सेज का नाम देते हैं इफ़ दी नंबर ऑफ वैकेंसीज आर नॉट वेरी लार्ज इफ़ दे आर एडिक्वेट इन नंबर एम्प्लॉई एम्प्लॉई रिकॉर्ड्स आर मेंटेन जॉब डू नॉट डू नॉट डिमांड औरलिटी लैकिंग इन द इंटरनल सोर्सेज एंड एम्प्लॉयज़ हैड दैम सेल्फ फॉर प्रमोशन तो जब ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इंटरनल सोर्सेज की तरफ तब जाती हैं जब आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े संख्या में जो वैकेंसीज हैं वो नहीं हैं आपके यहाँ जो कार्य कर रहे कार्य कर्मचारी हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से तैयार कर रखा है कि वो प्रमोशन के लिए आगे आ सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं और आपको कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आपको बाहर से ही एम्प्लॉय को चयन करना होगा तो उस सारे चीज़ों में आप क्या करते हैं इंटरनल सोर्सेज पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं और इंटरनल सोर्सेज में हमारी जो दो प्रक्रियाएं रहती हैं उसमें ज़्यादातर ट्रांसफ़र और प्रमोशन्स के द्वारा ही हम अपनी प्रेजेंट पोजीशंस को फुलफ़िल करते हैं और ट्रांसफ़र और प्रमोशन दोनों ही ऐसे ज़रिए हैं जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉ के मोरल को उनको मोटिवेट करने में मदद करते हैं जब आप अपने ही भीतरी कर्मचारियों का प्रमोशन करते हैं उन्हें आगे लाते हैं तो उन्हें ये मोटिवेशन देते हैं और उनके मोटिवेशन से उनके जो कार्य में वो है वो क्षमताएँ उनकी और बढ़ाता है आगे हम बात करेंगे मैरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज की जो हम इंटरनल सोर्सेज को जब अपनाते हैं तब हमें क्या फ़ायदे होते हैं क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं जैसा कि अभी हमने बात करी इंटरनल सोर्सेज ऑफ़ रिक्रूटमेंट की अब हम बात करते हैं मैरिट्स की जब हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ़ रिक्रूटमेंट फॉलो करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं क्या उसके गुण हैं तो उसमें सबसे पहला है सेंस ऑफ सिक्योरिटी की जो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं प्रेजेंट कर्मचारी हैं जब आप उनको प्रमोट करते हैं उनको आगे ले जाते हैं तो डेफ़िनेटली उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि हमारे को एक सुरक्षा है हमारी इस जॉब में बाहर से लोगों को नहीं लाते हैं तो उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है जो उनको एक मोटिवेशन देती है उनके मोरल को इनक्रीज़ करती है और हम अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मोटिवेशन को हम बढ़ाते हैं और उनको बेहतर बनाते हैं दूसरा इसमें फ़ायदा मिलता है कि एम्प्लॉय के मोराइल को बढ़ाता है और मोराइल को बढ़ाने के साथ साथ हम ये उनको एश्योर भी करते हैं कि हम उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं किसी बाहरी व्यक्ति के बजाय इससे कर्मचारियों के मनोबल में सुधार होता है क्योंकि उन्हें इस तत्व का सेशन दिया जाता है कि रिक्तियाँ होने पर उन्हें बाहरी लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तीसरा इसमें फ़ायदा होता है क्योंकि ये लॉयल्टी और कमिटमेंट को शो करता है इट प्रमोट्स लॉयल्टी एंड कमिटमेंट क्योंकि अगर आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉलो करते हैं और उसी में अपने कर्मचारियों को आगे प्रमोशन देते हैं तो आपके यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ पूरे सुरक्षा के साथ करने का प्रयास करते हैं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें भी ये मौका मिल सके और आगे जाके वो प्रमोशन पा सकें तीसरा चौथा इसमें फ़ायदा होता है एम्प्लॉयर जो है वो बेटर पोजीशन में होता है इवेलुएट करने के लिए कि आपका जो कैंडिडेट है वो कैसा होगा क्योंकि जो आपके अभी कर्मचारी हैं उनको आप पूरी तरीके से जानते हैं समझे हुए हैं और बाहर के कर्मचारी जो हैं वो आपके लिए नए हैं उनको आप जानते नहीं हैं तो इसमें आप पहले से ही उनके प्रोग्रेस को उनके एक्सपीरियंस को उन्होंने किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अलावा आपको यहाँ पर समय और ख़र्चा भी कम करना पड़ता है क्योंकि आपके जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो पहले से ही आपकी संस्थान को आपके संस्थान के कार्य को बहुत अच्छे से जानते हैं तो जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है आपका जो टाइम इन्वॉल्व होगा वो इसमें कंपैरेटिवली कम होगा आप एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे अपने ट्रेड यूनियन से आपका जो लेबर टर्नओवर रेट है वो भी कम होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके जो एम्प्लॉइज हैं कर्मचारी हैं उन्हें प्रोत्साहन दे रही है उसे मोटिवेशन दे रही है और जब यूनियंस हैं वो खुश होती हैं कि आपके आपस के लोग ही प्रमोशन कर रहे हैं इतने समय से आपने किसी संस्थान को दिया और बाहरी का कोई व्यक्ति आके उस आगे पोजीशन को टेकअप कर ले और आपको रूल करने लगे तो ये आपके डिमोटिवेशन का एक कारक बन सकता है और आप नौकरियों को छोड़ सकते हैं लेकिन जब आप इंटरनल सोर्सेज को फॉलो करते हैं तो लोगों का मोटिवेशन बढ़ने के साथ साथ उनका जो टर्नओवर रेट है वो भी कम हो जाता है इट रिक्वायर्स लिटिल ट्रेनिंग लाइक आई सेड इट अर्लियर ऑल्सो एंड दांसेज दैट इट विल स्टे लॉन्गर इन ऑर्गेनाइजेशन एज कम्पेयर वेन यू हायर द पर्सन फ्रॉम दी आउटसाइड यूनिट राइट तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का कमिटमेंट उनकी जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है जिसकी वजह से आपको उनको ट्रेनिंग भी कम देनी है कॉस्ट भी कम इन्वॉल्व रहती है और आपके साथ लोग लंबे समय तक जुड़े रहते हैं ये कुछ फायदे होते हैं आपके इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के इसके अलावा लोग अपने आप को इनक्रेज करते हैं कि वो अपने आप को डेवलप करें ताकि वो आगे जाके इस तरह की पूर्तियों को पूरा कर सकें इट इनकरेज दी स्टेबिलिटी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये ये भी इनक्रेज करता है सुनिश्चित करता है कि ये रोजगार की निरंतर और सिसरित होकर प्रोत्साहन करता है और ये मध्य और शीश स्तर के प्रबंधनों को विकसित कराने के लिए एक प्रशिक्षित उपकरण के रूप में भी कार्य करता है इट ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रेनिंग डिवाइस फॉर डेवलपिंग मिडिल एंड टॉप लेवल मैनेजर्स जिनको आप हायर लेवल पे प्रमोशंस के लिए तैयार करते हैं इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंटरनल सोर्सेज के डीमेरिट्स की ऐसा नहीं है कि इसके सब फायदे ही फायदे हैं जैसा कि हम जानते हैं हर चीज़ के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान होते हैं ऐसा ही इंटरनल सोर्स के साथ भी है अगर हम बाहर से लोगों को नहीं लाते हैं तो उसके क्या खामियाजे संस्थान को देखने को मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं देयर आर पॉसिबिलिटी दैट इंटरनल सोर्स मे ड्राई अप एंड इट मे बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द रिक्वेस्ट पर्सनल फ्रॉम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई व्यक्ति ही ना हो जिसके द्वारा आप उस रिक्ति को पूर्ति कर सकें तो आपके पास कोई जरिया ही नहीं बचता जिसमें कि आप इंटरनली उस पर्सन को रिक्रूट करें या आगे लेके जाएं इससे बेहतर आप बाहर से ही कोई नया पर्सन लेकर आते हैं एज अ प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियोरिटी द डेंजर इज दैट दैट रियली केपेबल हैंड्स मे नॉट बी चोजन द लाइक्स एंड डिस्काइक्स ऑफ द मैनेजमेंट में ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिलेक्शन ऑफ अ पर्सनल विच मीन्स कि अगर आप अपने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं प्रमोशन के प्रमोशन करते हो और प्रमोशन अगर वो सीनियोरिटी के बेसिस पे है तो हो सकता है कि आप उतने बढ़िया व्यक्ति का चयन ना करें जितने बढ़िया व्यक्ति को आप बाहर से ला पाएँ क्योंकि यहाँ पर आप सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोशन करते हैं राधा देन मैरिट के बेसिस पे तो हमें हो सकता है कि बहुत अच्छा आ, वो पर्सन ना मिले और मैनेजमेंट उसको पसंद करता हो या नहीं करता हो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जिसके लिए हम उसको लाना चाहते हैं इसके अलावा आप कई बार ये देखते हैं इट ऑफन लीड्स टू इन ब्रीडिंग एंड डिस्करेज न्यू ब्लड फ्रॉम एंट्रिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन आपके जो पहले के लोग हैं अगर आप उन्हीं को लाते रहते हैं तो कुछ नया लाने को आपको नहीं मिलता और वो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में फिर इनब्रीड uh, हो जाते हैं कि आप किसी नए पर्सन को ला ही नहीं सकते और उन्हीं लोगों के आप डिपेंडेंट हो जाते हैं इसके अलावा सिंस दी लर्नर डू नॉट नो मोर देन अ लेक्चर नो इनोवेशन वर्थ द नेम कैन बी मेड देयर फोर ऑन जॉब विच रिक्वायर्स ओरिजिनल थिंकिंग दिस प्रैक्टिस इज़ नॉट फॉलोड ऐसी संस्थानों में जहाँ पर ओरिजिनल थिंकिंग या क्रिएटिविटी या इनोवेशन की ज़रूरत होती है वहाँ ज़्यादातर ये इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को कम आ, लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ नया करने की या कुछ नए तरीके के बारे में लोग नहीं सोच पाते इसीलिए एडवर्टीज़मेंट जैसी कंपनियाँ या स्टाइल डिजाइनिंग या बेसिक रिसर्च जैसी ऑर्गेनाइजेशन बाहरी सोर्स पर ज़्यादा निर्भर रहती हैं अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की जैसा कि हमने इंटरनल सोर्सेज के बारे में बात करी इंटरनल विद इन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हम लोगों का चयन करते हैं तो इसमें डिसेंजो एंड रॉबिन का कहना है ओकेजनली इट मे बी नेसेसरी टू ब्रिंग इन सम न्यू ब्लड बहुत ज़रूरी होता है कि समय समय पर हम एक नए व्यक्ति को एक नए इंसान को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जरिया बना ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएँ क्योंकि वो नए आइडियाज़ लेकर आता है एक नई एनर्जी के साथ आता है एक नई नॉलेज और एंथुजियाजम के साथ जब वो आता है तो वो कुछ नया करने की कोशिश करता है नए लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के द्वारा ला सकते हैं जो बाहरी लोग हैं उनको हम एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ के द्वारा ला सकते हैं शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों के द्वारा ला सकते हैं जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे हम लेकर आते हैं आकस्मिक श्रमक या द्वार के पर आवेदक और नाखून अवदेवक जो हमारे कैजुअल वर्कर्स हैं या नेल एप्लीकेंट्स हैं उनको भी हम ला सकते हैं जो हमारे एक्सटर्नल सोर्स के पार्ट होते हैं अब हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट सोर्सेज की स्किल्स बाय स्किल्स लेवल्स पर स्किल्स पर और लेवल्स पर जैसे हमने यहाँ पर इसको तीन भाग में बांटा हुआ है सबसे पहले हम बात करें किस तरीके के कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड उसके बाद हम किस ज़रिए से उनको ला सकते हैं और किस तरह परसेंटेज उनका हम इस्तेमाल करते हैं अगर हम अपने संस्थान के लिए अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जैसे कैंडिडेट्स को चयन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास चार पाँच तरीक़े हैं जो हम आमूमन तौर पर अपनाते हैं जिसमें हमारा इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू वॉकन्स के थ्रू पर्सनल एम्प्लॉय पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ के थ्रू हम लोगों को हायर कर सकते हैं या हम एडवर्टीज़मेंट्स देते हैं लोगों के लिए तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट एटी इसका हम इस्तेमाल करते हैं वॉकिनस में हम सेवेंटी इसका इस्तेमाल करते हैं सिक्सटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं और जो वॉन्ट एड्स हैं उनका फिफ्टी हम इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा अगर हम स्किल्ड की बात करें तो स्किल्ड में हमारे जो इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स हैं अगेन वॉक इन्स पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज एंड वॉन्ट एंड इनका भी परसेंटेज जो है वो लगभग ऊपर जैसा ही है जो हम इस्तेमाल कर रहे थे अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड के लिए लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं प्रोफेशनल एम्प्लॉइज और मैनेजरियल लेवल पे जब हम लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं तो हमारे जो चैन करने के सोर्सेज हैं वो बदल जाते हैं और उनके परसेंटेज में भी बहुत हद तक बदलाव आता है अगर हम प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ को ढूंढ रहे हैं तो हम उनको इंटरनल सर्च के थ्रू फाइंड आउट करते हैं इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं वॉक इन्स के द्वारा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के द्वारा एड्स के द्वारा एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के द्वारा हम इनको चयन करते हैं वेयर एज मैनेजरियल लेवल पे भी आपके इंटरनल सर्च इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स वॉक इन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज वांट एड्स एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज का इस्तेमाल होता है तो डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ पर आप किस प्रकार के कर्मचारी का चयन करना चाहते हैं किस लेवल पे उसकी पूर्ति करना चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज़ें आगे डिफ़ाइन करती हैं कि किस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को आप फॉलो करेंगे अगर हम एडवांटेजेस की बात करें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करने से सबसे पहला फ़ायदा होता है कि आप बाहरी लोगों को लाते हैं तो उससे एक नया आइडिया आपके संस्थान में आता है बेहतर तकनीकें आती हैं और बेहतर तरीकों को आप इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी संस्थान में नई चीज़ें आती हैं इसके अलावा आपकी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉज जो है वो भी मिनिमाइज होती है क्योंकि ये एक तरीका है जिसमें आप मिनिमम पे स्केल्स के द्वारा लोगों को ला सकते हैं आप इंटरनल लोगों को प्रमोट करते हैं तो डेफ़िनेटली उतनी सैलरी तो आप दे रहे हैं उसके आगे आपको एड ऑन करनी पड़ेगी बट बाहर के लोगों को आप मिनिमम पे स्केल पर ला सकते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो ब्रॉडन देयर पर्सनैलिटी जब आपके यहाँ से बाहर जब आपकी संस्थान में बाहर के लोग आते हैं तो आपके जो प्रेजेंट कर्मचारी हैं प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने परस्पेक्टिव्स को बढ़ाते हैं ब्रॉडन करते हैं क्योंकि उनको ये डर रहता है कि अगर वो अपने कार्य को अच्छे प्रकार से नहीं करेंगे तो उनकी नौकरियाँ खतरे में हो सकती हैं इसके अलावा यू नो एंट्री ऑफ क्वालिटेटिव पर्सनल फ्रॉम दी आउटसाइड विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन दी लॉन्ग रन अगर आपके यहाँ पर ऐसा कोई आदमी आता है जो बहुत ही बढ़िया है जो क्वालिटी इम्प्लॉय क्वालिटेटिव एम्प्लॉय है तो आपके संस्थान के लिए लंबे समय तक वो जुड़ा रहेगा और अपने आपके संस्थान में लंबे समय तक वो फायदे भी देगा दी सुटेबल कैंडिडेट विद स्किल टैलेंट नॉलेज आर अवेलेबल फ्राम दी एक्सटर्नल सोर्सेज उस तरीके के कार्य को पूरा करने के लिए जो स्किल्स नॉलेज और टैलेंट uh, चाहिए वो बाहर के लोगों को अवेलेबल होगा बाहर के लोगों से आपको मिलेगा एंड द एंट्री ऑफ न्यू पर्सन विद द वेराइड एक्सपेंशन एंड टैलेंट विल हेल्प इन दी ह्यूमन रिसोर्स मिक्स ऑल्सो जब आपके पास बहुत अच्छा पूल ऑफ कैंडिडेट बन जाएगा तो आपके पास वेराइटी ऑफ स्किल्स टैलेंट्स और एक्सपेंशन uh, uh, भी आपके पास ज़्यादा होगा ऐसे ही अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें एक्सटर्नल सोर्सेज के क्या डिसएडवांटेजेस हैं तो इसमें ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम को देना पड़ेगा क्योंकि ये लोग नए होते हैं इन्हें संस्थान के बारे में मालूम नहीं होता ज्यादा जानकारी नहीं होती है तो इनको आपको ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इनके मोटिवेशन और मोरल जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज का उनको लगता है कि वो कार्य कर रहे थे इतने लंबे समय से और उसके बावजूद बाहर से लोग हायर पोजीशंस पे आते हैं और उनको रूल और गाइड करने लगते हैं तो आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोटिवेशन और उनका मुरैल कहीं ना कहीं से कमज़ोर होगा इसके अलावा ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप लोगों को लेकर आते हैं और कई बार नए लोग जब आपके संस्थान से जुड़ते हैं तो उनको एडजस्ट कराने में आपको दिक्कत आती है अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट टेक्निक की रिक्रूटमेंट टेक्निक में आपके इंटरनल मैथर्स होते हैं और एक्सटर्नल मैथर्ड होते हैं इंटरनल मैटर्स जैसे हमने बात करी प्रमोशंस और ट्रांसफर्स के द्वारा आप पूर्तियाँ करते हैं Uh, जो रिक्त स्थान है जो आप पोस्टिंग करते हैं इंटरनली आपके यहाँ क्या क्या, क्या वैकेंसीज अवेलेबल हैं और आप एक एम्प्लॉय का रेफरल लेते हैं आपके जो प्रेजेंट लोग काम कर रहे हैं उनके रेफरेंसेज के थ्रू उनकी जानकारियों के थ्रू भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्तियों की पूर्ति करते हैं इसके अलावा आपका डायरेक्ट मेथड हो सकता है डायरेक्ट मेथड इज बेसिकली सेंडिंग ट्रैवलिंग रिक्रूटर्स टू दी एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन ठीक है कैंपसेज में जाते हैं आप स्कूल कैंपस कॉलेजेस टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं वहाँ से आप लोगों की भर्ती कर सकते हैं आपके इनडायरेक्ट मेथड में एडवर्टीज़मेंट एक ज़रिया है एडवर्टीज़मेंट के थ्रू न्यूज़पेपर्स में टेलीविजन्स में आप एडवर्टीज़मेंट देते हैं एडवर्टीजमेंट से आपके आपको मदद मिलती है लोगों को अट्रैक्ट करने में लोगों तक जानकारी पहुँचती है उसके अलावा आप क्रिएट कर सकते हैं उनका इंटरेस्ट मेंटेन कर सकते हैं ताकि वो उन पोजीशनिंग के लिए अप्लाई करें और अप्लाई करने को ही हम स्टमलेट एक्शन करना कहते हैं जैसा मैंने कहा कि एडवर्टीजमेंट आपका न्यूज़पेपर में भी हो सकता है टेलीविज़न में भी हो सकता है और रेडियो में भी आप प्रचार कर सकते हैं इसके अलावा आज के ज़माने में हम ई e रिक्रूटमेंट करते हैं ई रिक्रूटमेंट मीन्स टेक्नोलॉजी के द्वारा जो आईटी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए उसको हम ई e रिक्रूटमेंट का नाम देते हैं इसमें आप आ, इन्हांस कर सकते हैं एप्लीकेंट एक्सपीरियंस जो आपको एक्सपीरियंस या जो आपको अनुभवी लोग चाहिए वो आप इसमें आपको इससे मिल सकते हैं आपको एक बेहतर कंपनी की इमेज और कल्चर आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं आप अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और ज़्यादा फास्टर बना सकते हैं अपने एप्लीकेंट्स की डाइवर्सिटी आप ला सकते हैं पूल ऑफ एप्लीकेंट जो होंगे वो आपके डाइवर्स सिचुएशन या डाइवर्स बैकग्राउंड के हो सकते हैं आप एक बेटर मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और आपके पास एक ये भी फायदा होता है कि आप राइट कैंडिडेट को चूज़ कर पाएँ नौकरी के लिए तीसरा तरीका हो सकता है थर्ड पार्टी मैथड जिसमें आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आ जाते हैं जो कंपनीज जो आपको हेल्प करती हैं लोगों को ढूंढने में आउटसोर्स कर सकते हैं आप रिक्रूटमेंट गेट हायरिंग या कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू आप ला सकते हैं वॉक इंस के द्वारा या अनसोलिटेटेड एप्लीकेंट जिनको आप जानते नहीं हैं ऐसे ही जो लोग आते हैं इंटरव्यू देने उनके द्वारा भी आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं वेबसाइट्स के थ्रू आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं अपनी जॉब पोस्टिंग आप वेबसाइट पर कर सकते हैं एजेंसी साइट्स पर कर सकते हैं मीडिया साइट्स पर कर सकते हैं ये सारे जो एप्लीके जो बेसिकली मैथड जो अभी हमने पढ़े हैं उनको हमने कैटेगराइज कर लिया है कि किस तरीके के लोगों को कहाँ से हम ज़्यादा रिक्रूटमेंट करते हैं मैनेजरल लेवल पे क्या क्या मेथड ज़्यादा यूज़ होते हैं ऑपरेटिव लेवल्स पे क्या यूज़ होते हैं डायरेक्ट मेथड्स क्या हैं और थर्ड पार्टी मेथड्स क्या हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है उसका ये एक समराइज फॉर्म है आगे बात करते हैं ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं रिक्रूटमेंट की अगर हम रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनको कैसे पूरा करते हैं तो कई बार हम लोगों को ओवर टाइम कराते हैं उनको कहते हैं कि वो ज़्यादा समय काम करें सब कॉन्ट्रैक्टिंग आप कर सकते हैं ठेकेदारी इसको हम बोलते हैं उप तो ठेकेदारी कुछ समय के लिए आप लोगों को आ, काम दे देते हैं करने के लिए या आप टेम्प्ररी एम्प्लॉय से उस काम को कराते हैं या फिर कई बार आप एम्प्लॉय लीजिंग भी करते हैं अपने लोगों को पट्टे पर भी रखते हैं अगर हम रिक्रूटमेंट की फॉलोसफीज की बात करें तो हमारे पास दो तरीके की फलोसफीज़ हैं ट्रेडिशनल एंड रियलिस्टिक ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ जो हैं वो बड़े ही अनरियलिस्टिक और हाई एक्सपेक्टेशंस रखते थे लेकिन जो रियलिस्टिक जॉब्स हैं उनकी जॉब जॉब एक्सपेक्टेशन है बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक हैं ट्रेडिशनल में आपके जो जॉब्स हैं उन्हें वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था क्योंकि आपकी अनरियलिस्टिक रियलिस्टिक जो ना जॉब एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल यहाँ पे किया जा सकता है यहाँ पर जो आपकी अट्रैक्टिवनेस है वो क्या है लाइट है रियलिस्टिक है यहाँ पर हाई रेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब रहता है आपका वेयर वियर यहाँ पर आपका जो एक्सेप्टेंस है वो कम रहता है कई बार एक्सेप्ट भी किया जाता है कई बार रिजेक्ट भी किया जा सकता है इसके अलावा ट्रेडिशनल में हाई एक्सपेक्टेशन बिलीव बाई दी एक्चुअल जॉब एक्सपीरियंसिस वेयर एज इन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आर कन्फर्म्ड बाई दी जॉब एक्सपीरियंसिस उसमें आपको पहले से एक्सपीरियंस नहीं है अनुभव नहीं है लेकिन इसमें क्योंकि आपको अनुभव होता है तो आप इन तरीके की नौकरियों को रिजेक्ट भी करते हैं ट्रेडिशनल जॉब्स में बहुत हद तक डिसेटिस्फेक्शन फ्रस्ट्रेशन भी होता था नौकरियों को छोड़े जाने का लेकिन यहाँ पर सेटिस्फैक्शन क्रिएट किया जाता है आज के ज़माने में रियलिस्टिक जॉब रिव्यू जो है ट्रेडिशनल जॉब रिव्यू में आपके हाई रेट ऑफ पर्सनल टर्न होता था एंड लो रेट ऑफ जॉब सर्वाइवल वेयर एज इन द रियलिस्टिक जॉब रिव्यू आपका जो टर्न रेट है वो कम है और पर्सनल रिटेंशन रेट आपका हाई है ये कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हमने इस व्याख्यान के पाठक्रमों को लिया है इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका